अलन, आपका बाल उस दिन नमक के डब्बे के अंदर था, यू नो दिस। अलन, आपकी चेन खुली हुई है, कब बंद करोगे? जैसी हैवी बोला वो अंकल। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोगों की एक्सरसाइज खत्म हुई है। सामने कोई पेड़ों पर पानी दे रहा है, इसे शायद दिखाना नहीं चाहिए। बढ़िया, अच्छा नेक काम कर रहा है। सो हम लोगों की अभी तेरी आवाज वहां तक जा रही है पागल। सो हम लोगों की जस्ट अभी एक्सरसाइज खत्म हुई है एंड मैं तो शार्ले में जा रही हूँ। अलंकर शायद चाय बने रखेगा, मेरी ये तो नहीं पिएगा, गैस्ट्राइटिस में चाय अवॉइड कर रहा है। एंड किसी ने कॉमेंट किया था वीडियो पे कि उसे जानना है अलंकर के गैस्ट्राइटिस के बारे में। हाँ, मेरे दर्द की कहानी। तो अलंकर को शायद गैस्ट्राइटिस हुआ था कोविड के बाद, इंटेंस हो गया था। हाँ, कोविड के बाद थोड़ा ज्यादा हो गया था। सो इसे एच पाइलोरी था, लेकिन फिर इसको जनरल गैस्ट्राइटिस का भी प्रॉब्लम है। एंड इसे कुछ ऐसी चीजें होती जैसे बहुत स्पाइसी खा ले, या इवनिंग में बहुत हैवी कर ले डिनर, या फिर बाहर का ज्यादा खा रहा है, तो इसे इसको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बट कभी कभी लूज मोशंस भी जाते हैं। एंड बेसिकली इसके स्टमक में थोड़ा पेन रहता है, बट उससे ज्यादा ये होता है कि बॉडी पेन होता है और कभी कभी बुखार भी हो जाता है उसके इस पे, तो वो सीवियर गैस्ट्राइटिस होती है। इसे गैस्ट्राइटिस में, हाँ, ये बहुत कंप्लेन करता है कि इसके हेडेक हो रहा है, ये माइग्रेन हो जाता है, बॉडी पेन भी होता है, पेन करने लगता है। तो अलंकार गैस्ट्राइटिस को डील करता है, जैसे कभी कभी ये मिश्री होती है जो हमें प्रसाद में मिलती है छोटी, बट ये बड़ा जो लंप होता है धागे वाली मिश्री, उसे सोक करता है पानी में एंड देन उसमें लेमन डाल के पीता है। बट वो मिश्री भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पी सकता, मिश्री पी सकता है शायद, बट लेमन अगर उसमें ज्यादा लेट नाइट ऐसा करे तो इसे फिर इसे थोड़ा ये साइनस भी हो जाता है। सो इसको इतने सारे प्रॉब्लम्स थे नहीं, तो मोस्टली क्या हुआ है, जिन भी लोगों को कोविड हुआ तो उनके काफी ज्यादा, जैसे जब मुझे कोविड नहीं हुआ था, बट मैंने उसकी वैक्सीनेशन ली थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, मुझे बहुत एब्डोमिनल पेन हुआ था 2-3 महीने, वो धीरे धीरे जाके खत्म हुआ वो। सो इसे डेंगू एंड कोविड हुआ था एंड उसके बाद से इसे काफी सारी ऐसी चीजें होती है। सो इसलिए अभी ये चाय अवॉइड कर रहा है। चाय ये पहले पीता ही नहीं था, मैंने इसकी चाय की आदत डाली, बट हमें ऐसा लगने लगा कि शायद ये चाय पीता है उसकी वजह से इसको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, जैसे हैवी पराठे होते हैं या कुछ भी चीजें। सो मैंने जैसे हैवी बोला वो अंकल देखने हैवी पराठे होते हैं ना, कुछ भी होता है, सो वो ये कम ही रहता है, इसको गैस्ट्राइटिस ना हो। एंड मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कैसा भी हैवी या कुछ भी खा लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। का एक पैकेट था लेकिन वो फट गया, गर्मी थी। सो अलंकार नीचे जा रहा है एंड ये कहीं से दूध का पैकेट लेके आएगा। क्या दूध लेकर आई है बाबू, डेट चेक करके लाई? सही है ना डेट? ओके, जल्द जल्दी चाय बनाते हैं। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, आज आलू का पराठा आया हुआ है एंड अलन ने अपने लिए भी चाय बनवा ली है, येलो वाला कप अलन का है एंड मैं तो एक पराठा खा रही हूँ। अलन भाई साहब दो पराठा दबा के खा रहे हैं, फिर बोलेंगे मुझे फिर से गैस्ट्राइटिस हो गया। सो इस पराठे में जो ये साइड की मोटी मोटी लेयर्स होती ना, ये अलंकार छोड़ देगा, वरना इसका पेट थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा। एंड ये आंटी ऐसे ज्वाइन करके बनाती है ना दो पराठे ऐसे करके, ये तो टेक्निकली तो ये चार हो गए, चार रोटी के बराबर, बहुत हैवी हो जाएगा, तो ये साइड के लेयर्स छोड़ देता है, बीच का फिर भी पतला होता है। ये देखो अलन की घड़ी, देखो रईसों वाली घड़ी पहनता अलन। क्यों अलन? अलन आपकी चेन खुली हुई है, कब बंद करोगे? खाना खाने के बाद। घड़ी देखो इसकी, कितनी सुंदर घड़ी है। हाँ, इसको घड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है। ये अलन एंड एडी खा पी चुके हैं एंड हमने साइड गए, ये पराठे छोड़ दिए हैं, बहुत ज्यादा हैवी होता है। एक तूने तो कुछ ज्यादा ही छोड़ दिए, इसका एक पराठे का आटा तो ऐसे ही निकल गया है ना। बोल सकते हैं आंटी को, बट अच्छा नहीं लगता बोलना, इतना सब बनाती है ना वो। गाइस, मेरी चाय के अंदर अलन का बाल आया, अलन के बाल हर जगह आते हैं, बट ये तो वह चाय के अंदर। सी गाइस, चाय खत्म हो गई, वो बाल जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो दिख रहा होगा बाल, ये है अलन का बाल। मिस्टर अलन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मेरे बाल जो है वो भगवान जैसे हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट। क्या बोला तूने? इसके इतने बाल होते हैं, मैं डेली झाड़ू पोछा मारती हूँ, डेली बाल निकलते हैं, बाल ही बाल है हर जगह आते। अलन, आपका बाल उस दिन नमक के डब्बे के अंदर था, यू नो दिस? ऊपर तक है, नमक के डब्बे के अंदर था आपका बाल, एडी ने बाहर निकाला आपका बाल। या हर जगह आपके बाल घूमते हैं। हाँ भैया, लास्ट टाइम चेक किया तो वो बाहर था, अंदर था अलंकार। तो तुमने एक और कोई दूसरा बाल चेक किया होगा? अरे वो तुम दूसरे, वो नमक के डब्बे के ऊपर था। हाँ पागल, इसके बाल भी कोविड के बाद से झड़ना चालू हुए हैं। तूने अपनी चप्पल यहाँ रख दी, मैं तुझसे बोला तू अपनी चप्पल उतार रख दी। सॉरी, वो मैं भूल जाता हूँ, मैं इतना व्यस्त रहता हूँ ना अपनी लाइफ में, क्या ये सब चीजें मैं याद नहीं रखती। चलो चलते हैं फाइनली। एडी बहुत प्यारी लग रही हो, काजल लगा के बहुत प्यारी लग रही हो, थोड़ी रेड भी लग रही हो, अच्छा लग रहा है, टमाटर लग रही है, इतनी सी टमाटर। हाँ बेबी, अच्छा लग रहा है, ये सीन अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, चलते हैं। एग्जॉस्ट ऑफ कर देते हैं। हाँ एक सेकंड रुको, मैं कर रही। दोनों ने जॉइंट एफर्ट, अच्छे से लॉक कर लो, चेक कर लो, नहीं तो तुम बार बार चेक करती हो। कैमरा ऑफ कर,
अच्छा सो अभी हम ऑफिस से वापस घर लौट रहे हैं एंड कल तो मैंने लीव ले ली थी सिक लीव मंडे की सो आज ट्यूसडे है और टेक्निकली तो वीकेंड मिला था मुझे 3 दिन मिले रिलैक्स करने के लिए लेकिन फिर भी मुझे आज काफी थका थका लग रहा है सो ऑफिस जाने में ये चीज हो जाती है कि डेली मतलब आपको बैठना पड़ता है पूरा और बहुत टायरिंग होता है इवन सैटरडे संडे भी इनफ नहीं होता रेस्ट के लिए आई डोंट नो जब मैं स्कूल में थी तब इतना थका फील होता था बट बहुत एक जनरल टायर्डनेस आ जाती है एंड कुछ और करने का मन नहीं करता है हाँ इट्स ओके आई थिंक वो एक तरह से ठीक ही है अल्टीमेटली तो सो बेसिकली ऐसा आ रहा है कि शायद मे भी सारे सैटरडेज ऑफ हो एंड पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं बट आई थिंक ऐसा होना चाहिए बिकॉज प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की इंक्रीज ही होती है ये एस्टैब्लिश फैक्ट है अगर रेगुलर ब्रेक्स मिले एनीवे इसको छोड़ते हैं अभी मैं घर जा रही हूँ एंड हम लोग अभी देखते हैं कुछ खरीदना है हमें चाय से खाने के लिए मैं कुरकुरे लेने का सोच रही हूँ ये वाले सो ये वाले कुरकुरे मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मैं काफी दिन से दुकानों पे बाहर देख रही थी बट समझ नहीं आ रहा और क्या चीज लें क्रैक्स नहीं लेना वो बचपन में ही खाती थी मैं अलंकार क्यों वो फिर लाइट ले ले हल्दीराम्स का क्या ले जल्दी बताया नहीं ये लेते ये सफिशिएंट होगा नहीं बिकॉज़ ये मोस्ट लाइकली तुम अकेले खा लोगी सही कहा तूने हाँ तो तुझे क्या लेना अपने लिए चल ठीक है ओके तो हम ये दो चीजें ले रहे हैं ये अरे यार ये सबसे बेकार फ्लेवर लगता है मुझे अनियन वाला ठीक है चल ठीक है पे करते हैं टोन का पैकेट दे दीजिए चल चले ये बैग में रख लो प्लीज इसमें मैं जगह नहीं है वो हाथ नहीं पकड़ लो मैं उतर रही हूँ नीचे ओके चलो चले चलो चले सो ये वाला काम हमारा हो गया है ये स्नैक्स लेने का अब बस हम अपने घर ही जा रहे हैं सो मैंने जस्ट अभी नोटिस करा कि अलंकार ने इनफैक्ट बताया कि मेरे ऐसे ना ये पेन लगा हुआ है सो मेरे टॉप पे भी लग गया या तो मैं खड़ी हुई थी कहीं एंड किसी बच्चे ने ऐसे ऐसे किया है हाँ लेकिन आई डोंट थिंक वैसे हुआ होगा बिकॉज लाइक बच्चे ऐसे हमारे पास आए तो नहीं क्या हमने नोटिस नहीं करा वैसे आई डोंट नो हां बिकॉज ऐसा खड़ी हुई थी काउंटर पे एंड ऐसे हुआ है बट किसी बच्चे ने किया है लंकर मैं कैसे काउंटर पे खड़ी होंगी जो ऐसे होता रहेगा किसी ने चलाया है किसी छोटे बच्चे ने ऐसे ऐसे किया है बट मुझे पता भी नहीं चला ऐसा कैसे देखो पता नहीं यार अटेंडेंस रजिस्टर पे हुआ है वो हो सकता है बिकॉज अगर कोई बच्चा ऐसे खड़ा होके एकदम वैसे करेगा तो हम इतने भी तो मतलब लॉस नहीं है कि लाइक पता नहीं चलेगा किसी की प्रेजेंस तो फील हो ही जाती है अटेंडेंस रजिस्टर या कहीं कुछ हुआ है उधर हुआ है या फिर लाइक तुम जब काम कर रही होगी तब कुछ हुआ होगा कोई पेन रहता ही नहीं पक्का 100% श्योर शाम के बाद हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग घर पे एक ऑलरेडी एक ब्लॉग अपलोड कर रहे थे एंड उसमें 100th ब्लॉग था आई होप आपने देखा हो नहीं देखा हो तो आप जाके देख लेना पॉसिबल हुआ कि हम 100 ब्लॉग्स बनाते तेरे पास आ जाऊँ तुझे इतनी सारी बातें करनी है तो रुक जा एंड क्या बोल रही थी मैं हाँ उसमें 3 घंटे लग गए हमें एडिटिंग करने में फाइनली 2 दिन लगे एडिटिंग करने में फाइनली हम लोग नीचे गए वॉक वगैरह करी एंड भी वापस आए हैं और अभी अराउंड एक्चुअली काफी लेट हो गया 11:30 हो गया है और बस हम सोने ही जा रहे हैं मैंने अलन की टी शर्ट पहन ली है ये मेरे 6 साल टी शर्ट तो मेरी लग गई है तुम्हें ना क्या मैं अलन का 6-7 टी शर्ट चुरा लिया एंड ही डजंट हैव टी शर्ट ना एंड ही डजंट वांट टू स्पेंड मनी सो ये था एंड यस काफी ज्यादा थक गए हैं सो रहे हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं कल फिर से मिलते हैं एक और ब्लॉग में ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो अस योर लव आई होप आपको हमारा 100 ब्लॉग अगर आप नहीं देखे तो प्लीज देखिए एंड आई होप हम ऐसे भी और सॉन्ग अरे पता है अरे बाय बोलने से पहले मैं एक और चीज बताऊं अरे वो गौरी प्रधान नहीं है क्योंकि सास भी कभी वो होती वो अपने इंस्टाग्राम पर जो कोई योगा का चैनल है तो वो बेचारी उस पर ऐसे एक योगा सिखा रही थी वो मोस्टली आई डोंट नो वो थोड़े फेस रिलेटेड योगा सिखाती है चेन वगैरह तो वो ऐसे कर रही थी एक योगा ऐसा था ऐसा एक बंदा कमेंट करता इतने सारे फ्लाइंग किसे तब किसको दे रहे हैं ये सब कमेंट्स तो एनीवे इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं कि और फिर से मिलते हैं कॉल होंगे बाय बाय गुड नाइट टेक केयर